उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उनको आईसीयू में एडमिट कराया गया है। अब उनकी तबीयत खराब होने पर उनके भाई अफजल अंसारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपने भाई को लेकर चौंकने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि काफी दिनों से मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है, मुख्तार को मिटाने की, खत्म करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। देखिए, आज तो अभी हमारे तो रास्ते में सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि बांदा जेल के जेलर और दो डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। अब आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ मिलाया गया था, इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। अपने जो वर्चुअल पेशी पे वो आते थे कोर्ट के, उस पे भी पिछले 2-3 दिनों से तो नहीं आ सके। उनके जगह पे जब जेलर खड़ा हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं, वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ रहे हैं। इस बीच में हम लोग जानते हैं कि काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है।